गरीब महिला युवा किसान इन चारों वर्ग के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। उसी भावना के हिसाब से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, गरीबों को, महिलाओं को, सबको रोजगार दिलाने के नई नई इंडस्ट्री डलवाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियाँ हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई ना कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जैसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारा हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगोरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र अपने हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद मिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहा है। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जैसी मिल के लिए लगे, इसके बाद ऐसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियाँ जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पर बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो, सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी।